Hey guys, welcome to Gate Educator. And in the previous lecture, we were studying कि मतलब positive number को कैसे store होता है, negative number को कैसे store होता है. और इस lecture में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मतलब उसका range कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो range निकालने से पहले मतलब उसमें दो type के मतलब representation होते हैं कि signed और unsigned. तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. Before starting the topic, I would request you to please subscribe the channel and press the bell icon so that whenever we upload a new video, you should get the notification first. So let's talk about this. तो हमने देखा था कि नंबर को जब स्टोर करते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव दो टाइप के नंबर हम तरीके से स्टोर करते हैं. और पॉजिटिव रहता है तो एज इट इज़ इन अ बाइनरी फॉर्मेट स्टोर करते हैं, और नेगेटिव रहता है तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करते हैं. मतलब क्या होता है, नंबर लेते हैं उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और फिर उसे स्टोर करते हैं, ठीक है? वो सब क्लियर है. नाउ मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितने भी इंटीजर क्लास के नंबर है, जैसे अगर मान लीजिए मैं इंटीजर क्लास की बात कर रहा हूँ, इंटीजर क्लास, तो इंटीजर क्लास के जितने भी डेटा टाइप होते हैं या वेरिएबल होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं. ये तो होता है साइंड हो सकता है और दूसरा हो सकता है अनसाइंड. ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको. साइंड मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा फॉर्मेट होगा तो उसका जो एक बिट होगा ये साइंड बिट होगा, और बाकी के सारे जो होंगे ये सब बाकी जो बिट्स होंगे ये सब क्या होंगे, डेटा बिट्स, ठीक है? ये हमारा साइंड नोटेशन है, जो साइंड जो क्लास है उसका. अनसाइंड का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो हमारा होगा, जो हमारा पूरा जो डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा बिट ही है. अब देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है, ठीक है? मतलब ये जो नंबर स्टोर करेगा ये जीरो से मतलब जो भी नंबर स्टोर कर सकता है वही स्टोर करेगा, ये निगेटिव नंबर स्टोर नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन बिट नहीं है. और चूंकि यहाँ पर साइन बिट है इसीलिए ये निगेटिव नंबर से शुरू करेगा, मतलब नेगेटिव नंबर से कुछ शुरू करेगा और पॉजिटिव नंबर तक जाएगा. तो बेसिक कहानी साइंड और अनसाइंड का ही है. तो साइंड में एक डेटा बिट होता है, एक साइंड बिट होता है और बाकी सब डेटा बिट्स होते हैं साइंड में. और अनसाइंड में क्या होता है कि जितने भी मतलब डेटा बिट्स है वो सब के सब आपके क्या होंगे, सब के सब डेटा बिट्स हो जाएंगे. अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ. जैसे कि जो साइंड होता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सेम होता है, जैसे जो भी रहता है. जैसे अगर मान लीजिए शॉर्ट है तो शॉर्ट को आपको मैंने बताया था कि मैंने बताया नहीं. जैसे एक चीज़ और है एक्सेस स्पेसिफायर, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बार डिस्कस किया था कि कौन से डेटा टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर. जैसे अगर मान लीजिए कि सबसे पहले मैं शुरुआत सॉरी कर रहा हूँ इंट से, तो इंट का होता है परसेंट डी. समझ में आ रहा है, इंट का होता है परसेंट डी. मतलब इंट को हम मान के चलते कि डेसिमल है परसेंट डी, लेकिन अगर वो ऑक्टल होगा तो परसेंट ओ एंड हेक्साडेसिमल होगा तो परसेंट एक्स. अब इंटीजर तीन टाइप के होते हैं ना, कि मतलब डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, अब ये बताने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो वो परसेंट डी ध्यान से दिखेगा. इंट के बाद आता है शॉर्ट, तो इसका होता है परसेंट एच डी. बेसिकली अगर एकदम एक्यूरेट अगर आप जानना चाहें तो परसेंट एच डी होता है, एकदम एक्यूरेट. बाकी परसेंट डी लगेंगे तो भी वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, ध्यान से सुनिएगा. उसके बाद आता है अब शॉर्ट है सॉरी कैर है तो और छोटा है ये, तो ये उसका होता है परसेंट एच एच डी भी होता है, परसेंट सी भी होता है. ये एक्सेस स्पेसिफायर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परसेंट डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी. नॉमिनल सा प्रॉब्लम होता है बट वो आपका, मैं चाहता हूँ कि आप खुद फील करेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है. अब मैं बताना ये चाहता हूँ, देखिए करेक्टर है तो परसेंट एच एच डी जब लिखेंगे तो वो मान के चलता है आप केवल 8 बिट का ही डेटा डाल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, या जो आप डेटा डालेंगे उसका 8 बिट ही कंसिडर करेगा. लेकिन अगर परसेंट डी लिखते हैं तो वो मान के चलता है कि आप मतलब 32 बिट का डेटा डाल रहे हैं, तो 32 बिट का डेटा लेगा, लेकिन वो रखेगा कितना, पहला 8 बिट ओनली. समझ में आ रहा है बात हम ट्राइंग टू से. तो कहने में तो कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर की फीलिंग, बट कंप्यूटर में सी लैंग्वेज में एरर नहीं है. जैसे बेसिक कहानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए 8 बिट का आप कंप्यूटर एक्सपेक्ट करता है कि आप 8 ही बिट का डेटा डालेंगे, और आप मान लीजिए 20 बिट का डेटा डाल दिए 20 बिट्स का, तो क्या एरर देगा? नहीं देगा, वो ले लेगा, उसके बाद वो ट्रंकेट कर देगा. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप क्या लिखे हैं, बट आप लिख सकते हैं अलग अलग. उसके बाद जो लॉन्ग लॉन्ग इंट का होता है उसका होता है परसेंट एल एल डी, लॉन्ग लॉन्ग इंट, ठीक है? तो दिस इज मतलब हमारे ये हो गए जो इंटीजर वाले हो गए. अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फ्लोट का होता है परसेंट एफ, डबल का होता है परसेंट एल एल एफ, एंड लॉन्ग डबल का होता है
परसेंट कैपिटल LF, ये हमारा मतलब होता है, ठीक है। बाकी आप नेट पर चेक कर लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता था। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि मतलब रेंज क्या होता है। जैसे साइन, मतलब साइन में मतलब अपन ने यही डिस्कस कर रहे हैं कि जितना भी मतलब एक बीट जो होता है वो साइन बीट होता है, बाकी के सब डेटा बीट होते हैं। डेटा बीट में अनसाइन में सबके सब डेटा बीट होता है। तो एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है अनसाइन का एक स्पेशल होता है परसेंट यू। मतलब अगर आपको पता है कि आपका जो हमारा वेरिएबल अनसाइंड है तो मैं उसको परसेंट यू लिखता हूँ उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए। ये स्पेसिफिक किसी भी टाइप में हो, जैसे वो लॉन्ग लॉन्ग इंट में हो, शॉर्ट में हो, करेक्टर में हो, किसी में हो, लेकिन अगर मैं परसेंट यू लूँगा तो तुरंत को तो अनसाइन कर सकता है। अनसाइन का मतलब क्या है, पूरा उसे डेटा मान लेगा कि पूरा का पूरा जो भी मतलब वैल्यू है, जितने भी बीट्स हैं सब के सब डेटा बीट है। आप समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूँ। और आप वेरिएबल को अनसाइंड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं लिखता हूँ कैरेक्टर ए या कैर ए। अगर मैं साइंड डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइंड कैर ए। अगर मैं अनसाइंड करना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ अनसाइंड कैर ए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब देखेंगे तो ये दोनों सेम है, ये दोनों मतलब सेम है, मतलब ये साइंड लिखे या ना लिखे वो उतना ही काम करता है। कैरे मतलब कैरे में मतलब बाय डिफॉल्ट साइंड है, बट अगर आपको अनसाइंड चाहिए तो आपको सामने अनसाइंड लिखना होगा। जब आप सामने अनसाइंड लिख लेते हैं तो वो क्या करता है, वो मान जाता है कि जो ए है वो सब के सब जितने भी बीट्स हैं उसके सब के सब डेटा बीट्स होंगे, क्लियर है। ऐसे ही अगर इंटीजर है तो मैं लिखता हूँ, मान लीजिए इंट ए लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ साइंड इंट ए, या मैं लिख सकता हूँ अनसाइंड इंट ए। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सेम है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये भी साइंड है और ये भी साइंड है, दोनों सेम है, मतलब उसमें कोई मतलब फ़र्क नहीं है। और ये अनसाइंड डेट है, जब ये है इसका मतलब क्या है कि वो पूरा का पूरा डेटा बीट है। अब एक चीज़ और वर्थ नोटिसिंग है, ये है कि अगर सपोज मान लीजिए मैं केवल लिखता हूँ साइंड ए तो क्या ये एरर देगा, या मैं लिखता हूँ मान लीजिए अनसाइंड है। जैसे कि आप जब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर साइंड अनसाइंड फॉलोड बाई डेटा टाइप फॉलोड बाई वेरिएबल है, मतलब लेकिन अगर मैं डायरेक्टली साइन डे लिखता हूँ साइन डे तो क्या मतलब है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, साइंड ए जब लिखते हैं केवल तो ये इसको बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप कंसीडर कर लेता है क्योंकि इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। अनसाइंड किस में कंसीडर कर लेता है, वो इंटीजर में कंसीडर कर लेता है। जो साइंड और अनसाइंड का जो कंसेप्ट है वो केवल उसको इंटीजर क्लास में है, फ्लोट क्लास में नहीं है। डू अंडरस्टैंड, इसीलिए जब भी हम साइंड ए लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उसे वो कंसीडर कर लेता है कि ये एक इंटीजर क्लास है। जब अनसाइंड ए लिखते हैं तो उसे वो कंसिडर कर लेता है वो एक इंटीजर क्लास है, क्लियर है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और किसी भी डेटा टाइप जो भी इंटीजर क्लास है उसको मैं अनसाइंड बनाने के लिए मैं सामने अनसाइंड ऐड कर दूंगा। अब ऐसा क्या लिख सकता हूँ मैं, कैर अनसाइंड ए, नहीं, दैट विल नॉट बी द राइट वन, दैट विल नॉट बी द ट्रू ग्रामर, दैट विल गिव यू एरर। समझ में आ रहा है, पहले इसका जो करेक्ट मतलब सिक्वेंस वही है कि अनसाइंड डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल लेम, ठीक है। तो ये हो गया। अब लाउ कम टू दी रेंज। जैसे अगर हमने साइंड अनसाइंड समझ लिया तो हमको रेंज अब समझना है कि रेंज क्या होगा। अब रेंज के लिए हमें देखना होगा कि डेटा बिट में हमारा क्या स्टोर हो सकता है। तो पहले सबसे पहले हम अनसाइंड की बात करते हैं क्योंकि अनसाइंड मतलब इजी है, और एक बार अगर आप अनसाइंड समझ लेते हैं तो उसी का इस्तेमाल हम साइंड में भी थोड़ा बहुत कर पाएंगे, ठीक है। तो अब अनसाइंड में आप जानते हैं कि जितने भी डिजिट्स होंगे वो सब के सब हमारे डेटा बिट्स होंगे, मतलब उसमें कोई भी बिट आपका जो है साइंड बिट नहीं होगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि उसमें कोई भी बिट ऐसा नहीं होगा जिसे आप निगलेक्ट कर सकते हैं, कि मतलब जिसकी वैल्यू आप कंसीडर नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ, सारे के सारे वैल्यू जितने भी बिट्स होंगे सब के सब अपनी वैल्यू रखे। ध्यान सुनिएगा, तो सबसे पहले मैं अनसाइंड का रेंज निकालना चाहता हूँ, सॉरी अनसाइंड। अब अनसाइंड की बात करेंगे तो इसमें ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि मैं एक मतलब करेक्टर का अनसाइंड ले लीजिए जिसमें 8 बिट है, ठीक है, यहाँ से देखिएगा 8 बिट दिखा आपको, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, सब में 0 डाल दीजिए। अरे यही होगा ना, इससे छोटा वैल्यू कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि ये निगेटिव तो जाएगा नहीं ना, तो जो वैल्यू होती है वो कहाँ शुरू होगी, 0 से। अब सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, तो सब में मैं क्या डाल दूंगा, 1, सब में क्या डाल दूंगा मैं, 1। अब यहाँ पर क्या है, ये आपको पता है ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है और 7 है,
और ये भी याद रखिएगा, जब अगर जैसे ऐसे गिन लीजिए, जैसे अगर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 1 कंटिन्यूस आया। तो व्हाट इट मींस दैट कि ये पूरा का पूरा वैल्यू जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2^8 - 1। ठीक है, समझा आपको? अगर ये सब जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए 4 1 लिया, तो अगर आप देखेंगे तो ये 2^0 है, यानी कि ये 1 है, 2^1 यानी कि 2 है, और ये 2^3 यानी कि 4 है, और ये 2^3 यानी कि 8 है। तो 8 4 12 2 14 1, टोटल कितना आएगा 15। अब इधर देखिएगा 1 2 3 4, यानी 2^4 - 1 यानी कि 16 - 1 यानी कि कितना 15। आप समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है कि अनसाइंड का जो रेंज होता है वो कैसे डिसाइड करते हैं, कि मतलब 0 से लेकर के जो सब में अगर 1 डालेंगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वही होगा। तो हम उसको क्या करेंगे, सब में 1 डाल दिए हैं तो यानी क्या हो जाएगा भाई, 1 से लेकर के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 2^8 - 1। मतलब बेसिक कहानी क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं बारी बारी से कंसिडर करता हूँ। करेक्टर का जो साइज होता है वो 1 byte का होता है, तो इसका रेंज क्या होगा, 0 से 2^8 - 1। शॉर्ट का साइज क्या होता है भाई, 2 byte, तो इसका रेंज क्या होगा अनसाइंड में, 0 to 2^15 - 1। डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ऐसे ही अगर मैं इंट की बात करता हूँ तो इंट का 4 byte होता है, 4 byte मतलब कितना, 32 bit, यानी कि 0 to 2^32 - 1। डू अंडरस्टैंड? या अगर मान लीजिए लॉन्ग लॉन्ग इंट की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 byte, यानी कि 0 to 2^64 - 1। डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज विल बी रेंज। अब ध्यान से सुनिएगा मैं कहना चाहता हूँ, जनरलाइज में बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी डेटा टाइप है, कोई भी डेटा टाइप, जैसे गेट एग्जाम में अगर ऐसा पूछ लेता है कि मान लीजिए एक डेटा टाइप है, ठीक है, जो एन बिट लेता है, क्या लेता है, एन बिट, तो अनसाइंड में उसका रेंज क्या होगा, अगर वो एन बिट ऑक्यूपाई करता है तो अनसाइंड में उसका रेंज होगा 0 to 2^n - 1। याद रखिएगा कि अगर कोई भी एक डेटा टाइप है जो एन बिट ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में, तो उसका अनसाइंड रेंज क्या होगा, 0 to 2^n - 1। अब हम बात करते हैं साइंड का, ठीक है, तो साइंड में देखेंगे कि साइंड में क्या होता है। अब चूंकि हम पहले से जानते हैं कि साइंड में जो हमारा पहला बिट होता है वो हमारा होता है साइन बिट, और बाकी के सब बिट क्या होते हैं, डेटा बिट। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक बिट और इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों नंबर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो निगेटिव नंबर के लिए भी एक रेंज होना चाहिए और पॉजिटिव नंबर के लिए भी एक रेंज होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, उसके बाद हम धीरे धीरे उस लाइन पर आएंगे कि वो कहना क्या चाहता है, समझ में आ रहा है, और देखिएगा आप खुद समझ जाएंगे क्या है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अनसाइंड में याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपका 8 bit नंबर है, तो 8 bit नंबर जो होगा आपका, उसमें ये आपका साइन बिट है, तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव नंबर जो मैक्सिमम होगा वो कितना स्टोर होगा वो मैं देखना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। तो आपको पता है ना, नेगेटिव नंबर से आपको पॉजिटिव नंबर तक जाना है, तो पॉजिटिव नंबर मेरा मैक्सिमम जो होगा वो पहले मैं देख लेता हूँ कितना नंबर जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा कि यहाँ पर 0 होना ही चाहिए, क्लियर है, पॉजिटिव नंबर के लिए साइन बिट मेरा 0 होना चाहिए और बाकी सब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्लियर है आपको, क्लियर है? ध्यान से देखिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर ये सारे के सारे 1 नहीं, मतलब 1 होते हैं तो यही हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो कहने का मतलब कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अगर 1 है, ध्यान सुनिएगा, तो हमारा रेंज क्या होगा, 2^7 - 1, क्लियर है? मतलब ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वाला है जो हाईएस्ट है, इससे बड़ा वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते, इससे कोई भी बड़ी वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते, एकदम क्लियर है? अब हम निगेटिव नंबर की बात करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, निगेटिव नंबर कैसे स्टोर होता है, 2's complement format में, ध्यान सुनिएगा। अब निगेटिव नंबर के लिए आप ये नहीं बोल सकते, ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 डालता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1 डालता हूँ और सब में मैं डाल देता हूँ 0, नहीं, चलिए थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा घूम के आते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, यहाँ पर मैं 1 डालूँगा निगेटिव नंबर बनाने के लिए और सब में क्या डाल देता हूँ, 1 डाल देता हूँ मान लीजिए। अब आपको ये भी लगता होगा कि ये सबसे बड़ा नंबर है, क्यों, क्योंकि ये सब के सब 1 है डेटा बिट पर, ये आपका डेटा बिट है ना, ये हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, डेटा बिट्स है, क्लियर है आपको? ध्यान से देखिएगा,
तो ये एक्चुअली में है क्या, चूंकि ये टूज कॉम्प्लीमेंट में है तो निगेटिव नंबर, सॉरी चूंकि ये वन है इसका मतलब निगेटिव नंबर है, मतलब क्या है मुझे इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेकर के नंबर निकालना होगा, तो पहले तो माइनस लगा लीजिए, और जब टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो 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 जीरो, प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वन हो जाएगा, सब क्या आ जाएगा जीरो, मतलब ये क्या होगा भाई माइनस वन, क्या माइनस वन दैट विल बी रेंज, नहीं दैट विल बी टू लेस। ध्यान से सुनिएगा मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर मैं मैक्सिमम तब मुझे मिलेगा जब यहाँ पर जीरो और बाकी सब मेरा वन है, ये मुझे चाहिए फाइनल, तभी मेरा सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा ना, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है ध्यान से देखिएगा, चलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा घुमाने की मतलब ये नहीं है, जब आप काऊ पढ़ेंगे तब, जैसे सबसे बड़ा तो आपके दिमाग में अगर अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे लगता है कि कुछ आना ही आए आए कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, वो ये कि भाई टूज कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्या और जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया, या साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम क्यों नहीं सीधा अगर निगेटिव है तो यहाँ वन लिखते हैं बाकी डेटा लिखते हैं, समझ में आ रहा था, ये सब बहुत जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर पॉजिटिवली यहाँ जीरो लिख के यहाँ पर नंबर रख दीजिए, निगेटिवली यहाँ वन लिख के नंबर लिख दीजिए, तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्यों टूज कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन का आंसर हम मुझे काऊ में मिलेगा, समझ में आ रहा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन है, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो ध्यान सुनिएगा, जो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर वन और बाकी सब जीरो। अब सोच रहे होंगे ये क्या नंबर है, ध्यान से देखिए मैं क्या, सबसे पहले तो ये वन है, इसका मतलब क्या होगा भाई, ये निगेटिव नंबर है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा तुरंत कि अगर ये वन है तो यहाँ पर एक निगेटिव आएगा। अब मैं इसका डेसिमल कन्वर्ट करूँगा, देखूँगा क्या नंबर है, ध्यान से देखिएगा, तो ये अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, वन 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 जीरो, यू अंडरस्टैंड, और फिर क्या करूँगा मैं प्लस वन करूँगा, इधर देखिए प्लस वन करूँगा तो वन वन जीरो 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 और एक वन, और ये पता है क्या है, 128 है, तो माइनस 128, यू अंडरस्टैंड, मतलब आप सिंपली देखना चाहें तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यानी टू रेस्ट पावर सेवन है, मतलब 128, ठीक है, यानी क्या हुआ, टू रेस्ट पावर सेवन माइनस टू रेस्ट पावर सेवन हमारा निगेटिव नंबर है, इससे छोटा नंबर मैं स्टोर नहीं कर सकता। तो बेसिकली मैं शॉर्टकट में अगर मैं बोलना चाहूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो अगर मेरा n बिट का नंबर है, मतलब मेरा n बिट का नंबर है, साइंड नंबर है, n बिट का नंबर है, साइंड क्या है, साइंड, तो इसका जो रेंज होगा, ध्यान से याद रखिएगा हमेशा, n बिट का है टोटल, तो क्या होगा, ध्यान से रखिएगा, जीरो, ये जीरो बिट होगा, ये वन बिट होगा, ये टू बिट होगा, और ये क्या होगा, एन माइनस वन होगा, ये एन माइनस टू होगा, यही होगा ना, डॉट डॉट डॉट, तो इसका जो रेंज होगा वो याद रखिएगा, माइनस टू रेस्ट पावर एन माइनस वन टू टू रेस्ट पावर एन माइनस वन माइनस वन। देखिएगा जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये टोटल आठ था, तो आठ में से एक सात, तो माइनस टू रेस्ट पावर सेवन टू रेस्ट पावर सेवन माइनस वन टू रेस्ट पावर सेवन, दैट विल बी द रेंज। और ये गेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आज एक बार पूछा था कि मान लीजिए एक नंबर है जो नंबर को, मतलब एक वेरिएबल है, सॉरी एक वेरिएबल है जिसमें हम टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो बोलता है उसका रेंज बताइए, तो दिस विल बी द रेंज, कूल। सो वेन एवर यू सी वेरिएबल, ठीक है, जैसे इन द सी लैंग्वेज, जैसे अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी इंटीजर क्लास के हैं उन सबका रेंज यही होगा, ठीक है, अब मैं लिखना नहीं चाहता जी शॉर्ट वाले का रेंज क्या होगा इंटीजर, समझ, जैसे कि अनसाइन में लिखा था, तो आप उसी तरह से अज्यूम कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बता भी देता हूँ, मान लीजिए अगर कैर है तो कैर हमारा वन बाइट का होता है, तो साइन में उसका रेंज क्या होगा, माइनस टू रिस पावर सेवन टू टू रिस पावर सेवन माइनस वन, क्लियर है, याद है उसमें क्या था, टू रिस पावर एट तक था, जीरो टू टू रिस पावर एट माइनस वन अनसाइन में। इधर देखिए अगर मैं शॉर्ट की बात करता हूँ तो ये कितना हमारा टू बाइट का, यानी कि कितना 15 बिट, तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस टू रिस पावर 15 टू टू रेस्ट पावर 15 माइनस वन, क्लियर है, क्योंकि ये 16 बिट है। उसके बाद आएगा इंट, इंट कितना है 4 बाइट, मतलब माइनस टू रेस्ट पावर 31 टू टू रेस्ट पावर 31 माइनस वन, और फिर उसके बाद आएगा लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो हमारा क्या आएगा 4 बाइट हो गया, तो हमारा ये हो जाएगा 8 बाइट, तो हो जाएगा माइनस टू रेस्ट पावर 63 टू टू रिस्ट पावर 63 माइनस वन। तो ये हमारा जो है रेंज होगा इन द केस ऑफ
इंटीजर क्लास इन द केस ऑफ साइंड नंबर, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर रेंज की भी बात हो गई, समझ में आया। तो बेसिकली यहाँ पर ही डेटा टाइप ख़त्म हो गया, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि मतलब अगला टॉपिक क्या है, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको हम पहले कवर करेंगे, फिर वी गो फॉर दी एक्सप्रेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड प्लीज़ यार, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, और हमें थोड़ा सा मैसेज लिखा करो कमेंट वगैरह में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।